हेलो गाइस, आप सभी को गुरु टास्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे करें, यानी वो भी हमेशा के लिए। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ आएगा फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट वाले लाइन पे ऊपर में क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे स्क्रॉल कर नीचे की तरह आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे में सबसे जो सेटिंग इज प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग इज प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जो कि केवल सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद फिर से आपके सामने बहुत सारे कुछ पेज खुल कर आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फिर से कुछ पेज दिखाई देगा जो कि सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी आपको उस पर क्लिक करना है। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा फिर से दो ऑप्शन जो कि सबसे नीचे में मिला दिखा है डिक्टिवेशन एंड डिलीवेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चुनने के लिए दो ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ सबसे वाले नीचे पर यानी डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके स्विच कर लेना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पांचों में से कोई एक ऑप्शन को ले लेना है। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे नीचे में कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल कर नीचे की तरह आना है और फिर से आपके यहाँ नीचे मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, यानी आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका मांगेगा आपका जो फेसबुक आप डिलीट करना चाहते हैं उसी फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे कंटिन्यू करना है, यानी इंटर पासवर्ड, यानी इस पर दबाना है। तो चलिए दबाते हैं। दबाने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ दिखाई देगा जो ये बोल रहा है अगर आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप 30 दिन के बाद ही 30 दिन के अंदर में अगर आप इस फेसबुक आईडी को लॉगिन करते हैं यानी खोलते हैं तो आपका यह फेसबुक डिलीट नहीं होगा। अगर आप 30 दिन के बाद इसे लॉगिन करेंगे तो ये आपका डिलीट अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए इसे खोलते हैं यानी डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप डिलीट अकाउंट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।